और सीरीज चालू कर रहे हैं। पिछले वाले के तो बाद भाई सीधा 15 दिन बाद ही, 5-6 दिन बाद ही 1.18 आ गया, तो उसको तो भाई कंटिन्यू करने का कोई बहुत ज़्यादा सीन है नहीं। ठीक है, काम चलाऊ सी वुड हो गई है। वैसे इधर एक पैरेट है कोई, हाँ हम इधर से सीड्स लेके, क्या पता हम इसे अभी टेम कर पाए। 2, 3, 3, 5 हो गए क्या? अच्छा 5 से तो हो जाना चाहिए। अरे इधर आ भाई, अगर 5 हो गया भाई, 5। चलो हमें डे फर्स्ट पे पेट मिल गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, ऊपर एक जंगल टेम्पल है, हम वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले एक पिकैक्स बना लेते हैं हम, और एक एक्स भी बना ही लेते हैं। ये हो गई पिकैक्स। ओके, तो जंगल टेम्पल तक तो पहुंच गया, अब और कोई तो रास्ता है नहीं, तो हम पत्थर तोड़ के अंदर जाएंगे। अच्छा हम सीधा पीछे वाले कमरे से ही आ गए हैं। यहाँ पर है गोल्ड, बैम्बू को, वैसे बैम्बू का कोई, हम रॉटन फ्लैश को ले ही लेते हैं अगर बाई चांस ना मिला, और सैडल और पावर सामग्री भी ले लूँ। ओके, यहाँ पर 3 आयरन है तो परफेक्ट है, हम यहाँ पर ही एक पिकैक्स बना लेंगे और उसके बाद आयरन पिकैक्स से ही माइनिंग करने चलते हैं। हाँ भाई ले ही लेते हैं रेड स्टोन का सामान भी जो भी है इधर सर, और हम नाइस। अब चलते हैं हम सबसे पहले तो किसी विलेज को ढूंढने, क्योंकि 1.80 में भाई केव्स का भी पंगा ही हो गया। पहले तो आराम से ऊपर ऊपर बिना किसी मॉब के साथ हाथापाई करे बिना आराम से आयरन वगैरह मिल जाता था, अभी तो सब एकदम गहरी हो चुकी है। किसी भी गाय का तो हम मारेंगे नहीं, क्योंकि गाय हमारी माता है, हम उसे नहीं खाता है। अब यहाँ पर जो केव है तो सही, लेकिन वही बात है भाई जो बहुत ज़्यादा गहरी है, तो नीचे होंगे भर भर के मॉब्स। चलो हम सबसे पहले तो इधर ही खूब सारा कोबल स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कोबल स्टोन हो गया। अब आयरन चाहिए तो सही यार अपने को, आयरन कितना है इधर, 2 ही है क्या इधर? नहीं एक सेकंड, वैसे अब तो शायद आयरन ऊपर भी स्पॉन हो सकता है ना माउंटेन्स के ऊपर, अब नीचे मैं जाना तो नहीं चाहता अभी। चलो हम केविंग वगैरह बाद में देखेंगे, नीचे बहुत खतरा है, और वैसे ही कहीं रात हो गई तो बस अपना तो पहले दिन में ही काम खत्म हो जाएगा, रात होने ही वाली। रात होने ही वाली है। यहाँ पर वैसे केव है और ये ज़्यादा डीप भी नहीं है, तो शायद इससे अपना काम हो जाएगा अगर हमें आयरन मिल जाए तो। मैं कोई ब्लॉक अपने है इधर भाई, भर भर के कॉपर फैला हुआ है हर हर एक जगह। ओके, कोल तो देखिए हमें वैसे, अब बाहर रात हो चुकी है तो मॉन्स्टर्स होंगे हर जगह, तो मेरे ख्याल से तो बाहर निकलने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, तो हम आज की रात इसी केव में बिताएंगे। एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं और हम थोड़ी बहुत टॉर्चेस बना लेते हैं। हर जगह टॉर्चेस को लगा देते हैं पहले, मुझे लगता है हमें आयरन के लिए भी स्ट्रिप माइनिंग भी करनी पड़ेगी। वेट वेट वेट, हम पैरेट को बिठा देते हैं पहले यहाँ पर। ओके, हमने पैरेट को बिठा दिया, और इधर कोई अंडर वाटर केव है शायद, हाँ इधर एक अंडर वाटर केव है। ओके, तो अंडर वाटर केव है तो हम डोर्स बना लेते हैं, हाँ डोर्स बना लेंगे, हम आराम से पानी के अंदर भी सांस ले पाएंगे। देखते हैं हमें जो भी दिखता है हम ले लेंगे ये। ओके ओके, यहाँ पर आयरन है,
होपफुली जी एक से ज़्यादा हो, एक ही है। यहाँ पर लापिस लजूली भी है, ऐसे इधर गेट लगाते हैं अपन, और इधर से हम सारा आयरन माइन। इधर जी सैंडस्टोन कहाँ से आ गए? वैसे शुगर एन केव्स में ड्राउन नहीं स्पॉन होते भाई, ये तो अभी तक तो काम हो जाता अपना। What? ओके मैं वापस आ चुका हूँ माइनिंग करके, हमें सिर्फ 12 ही आयरन। नहीं अभी रात ही चल रही है, मुझे लगता है हमें स्ट्रिप माइनिंग करनी पड़ेगी, या फिर हम इधर आराम से कोने में बैठ जाते हैं और दूसरे दिन होने का वेट करते हैं। ओके तो फाइनली दूसरा दिन हो चुका है, हमारा आयरन भी तैयार है, हो चुकी है सुबह। चलो फिर चलते हैं दोबारा हम विलेज ढूंढने। एक सेकेंड, ये टॉल बर्च फॉरेस्ट है, ये तो शायद तक बहुत रेयर होता था ना, ओल्ड ग्रोथ बर्च फॉरेस्ट, इसका नाम चेंज कर दिया क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर सरफेस पर ही एमराल्ड की ओर पड़ी है, जो पहले बहुत ज़्यादा रेयर होती थी, और एक विलेज भी दिख गई अपने को, वो रही। बहुत सही, तो अब एमरल्ड की ओर को तो ले ही रहेंगे, और उधर एक शिपरेक भी है। ठीक है हम शिपरेक को चेक करके चलते हैं विलेज में। ओ भाई हमें खूब सारा भर भर के आयरन मिल गया। सॉरी भैया तुम्हें उठना पड़ेगा, हम 2 दिन से सोए नहीं हैं। वन डॉट 18 में शायद चेंज हुआ था ना कि अपन दोनों डोर को एक साथ खोल सकते हैं, शायद, अब पक्का नहीं पता मुझे, शायद तक हुआ था कि अगर डबल डोर है तो एक ही बार में खुल जाएंगे। जो भी, अब हमारे पास 13 आयरन हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले तो आर्मर आयरन का कितना बन जाएगा अपना, बूम बूम लापेस भी रख देते हैं, तो हम उस शंख पे पहुंच जाएंगे, और फिर इधर अपने को देखना है 99। हाँ यहाँ पर ही है। चलो भाई अपना सब कुछ हो गया सर, तभी वैसे आयरन गोलम को मारने की कोई ज़रूरत है नहीं अपने को, लेकिन मैं फिर भी मारूंगा। सबसे पहले तो अपना घर अपन देखते हैं किधर बनाएंगे। ओके तो मेरे हिसाब से ये जगह सही रहेगी, सामने अपने विलेज भी है, और उधर साइड में डेजर्ट तो नहीं कह सकते, बीच है, सस्ते वाला छोटा सा बीच। इतनी जगह काफ़ी होनी चाहिए वैसे। सबसे पहले तो हम जाके सो जाते हैं, और रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे सबसे पहले तो। जो भी, यहाँ पर एक और आयरन गोलम स्पॉन हो गया, तो फ्री का आयरन। यू स्टूपिड भाई, भाई 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 मैं 3 ब्लॉक ऊपर था उससे। Nice. Okay, मैं 2 ब्लॉक ही ऊपर था। एक शवल भी शायद तक हमें और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सैंड कलेक्ट करनी है ना। ओके दिस विल डू। अब सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा स्प्रूस बायोम कहाँ पर है। स्प्रूस की तो वुड अभी तक हमें मिली नहीं है, क्योंकि स्प्रूस का बायोम ही नहीं मिला, तो तब तक ओक की वुड्स कलेक्ट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल है, जिसमें कुछ खास काम का है तो नहीं,
और गोल्ड का ब्लॉक है। What is that? मुझे स्प्रूस के ट्रीज मिल तो गए हैं, लेकिन एज सच किसी बायो में नहीं है, यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही पेड़ दिख रहे हैं। तो या तो हम चलते हैं और घर पे जाके सैपलिंग्स को उगा लेंगे। This big brain time. वो ज़ॉम्बीज आ रहे हैं अभी, और मुझे सिर्फ एक ही सैपलिंग मिली है, दूसरी मुझे दिख गई है। यहाँ पर एक स्केलेटन भी है। जिसकी बोन्स हम ले लेंगे। इसने अभी तक एक ही गिराई, भाई सिर्फ एक ही चाहिए, जल्दी गिरा दे यार। ओके, हमें फाइनली चार चार मिल गई हैं। ये एक लास्ट ही बची थी, अगर ना मिलती तो हम फंस जाते एक बार के लिए। लैंड पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स हो रखे हैं, हमें बस जल्दी से विलेज में जाके सो जाना है। फाइनली व्हाट इज दैट? तो जब तक ये कुक हो रहा है, अपन बनाते हैं काफी सारी टॉर्चेस। 55 से एक बार तो काम हो जाना चाहिए, और इस विलेज पे हर जगह लगा देते हैं। हमारा अभी तक स्मेल्टिंग का काम तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ अभी। वैसे यहाँ पर एक लाइब्रेरियन है, ये क्या बेच रहा है? वो भाई जे 19 एमरल्ड में इन्फिनिटी दे रहा है। अपने पास 19 तो है ही शायद, वो 18 है अपने पास। एक आध तो शायद विलेज की चेस्ट में मिल ही जाएगा। यू नो वॉट, मुझे यहाँ पर तो मिल नहीं रहा, तो हम सीधा चलते हैं एमरल्ड के लिए माइनिंग करने। ओके, हमें मिल गई एक एमरल्ड की। और इधर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर क्या बेच रहे हैं? कुछ खास नहीं लीड्स के अलावा। ओके, हमारे पास एक इन्फिनिटी की बुक हो गई है। चलो एक बार के लिए तो हम सबसे पहले चलते हैं घर बनाने। बूम, हमारा स्प्रूस ट्री उग चुका है, तो अगर हमें और की ज़रूरत होगी तो हमारे पास है। चलो मैं इस बार इसे मारूंगा नहीं, अगर हम इसे बोट में डालें। और अगर जब बैठे This big brain time. So far so good. अब हमें बस साइड में इसके स्टेयर्स लगानी है, ऐसे नहीं, ऐसे। ओके, तो अभी तक इतना बन चुका है, अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन जब रूफ, अभी एक और फ्लोर लगाएंगे और रूफ लगाएंगे, उसके बाद और अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं ओक प्लैंक्स। और हमारे पास स्टोन ख़त्म भी हो गया। One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later.
तो हाँ, हमारे घर की रूफ तो हो चुकी है अभी, लेकिन इंटीरियर में काफ़ी काम करना बाकी है। और सबसे पहले तो हम इधर एक लैंटेन लगा देते हैं और हर कोने में ऐसे ही एक लगा देंगे। और अब तो मेन इंटीरियर का काम रह गया है, और वो मैं ओके। तो घर हमने फिनिश कर लिया है, अंदर आप देख सकते हैं ऊपर जो सेकंड फ्लोर के लिए स्पाइरल स्टेयरकेस हो गई, ऊपर बिस्तर हो गया, और इधर झूमर, झूमर ही कहते हैं ना हिंदी में, झूमर ही कहते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है। और हाँ, मुझे पता है यहाँ पर स्टेयर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं, ख़त्म नहीं हुई थी, मैं लगाना भूल गया था, लेकिन अभी भी एक कमी है। चलो वो हम कर लेंगे बाकी। और मैं इधर स्लैब्स लगाना भी भूल गया। तो हाँ, मेरे ख्याल से तो काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन इसे बनाने के चक्कर में भाई 3-4 आयरन एक्स लग गई, तभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगले एपिसोड में लगता नहीं माइनिंग के अलावा हम कुछ कर भी पाएंगे, लेकिन जो भी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।